हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय नेक्स्ट लेक्चर। हमने पिछली क्लास में देखा था कि हम किस तरह से डेटाबेस में अपनी टेबल को क्रिएट करते हैं। उसी सीक्वेंस में बेटा आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डेटाबेस की हेल्प से हमें फॉर्म्स को क्रिएट करना और रिपोर्ट्स क्या होती हैं, इन दोनों के बारे में। पिछली क्लास में आपने देखा था, अगर हम अपने एक्सपेरिमेंट से रिलेट करें तो जो थ्योरी हमने डिस्कस करी थी और एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था वो हमारा था क्रिएटिंग, एडिटिंग, मॉडिफाइंग टेबल्स इन डेटाबेस टूल, राइट, जिसमें हमने एमएस एक्सेस 2007 डेटाबेस पे काम सीखा था। उसी की कंटिन्यूएशन में हमें सीखना है आज रिपोर्ट जनरेशन एंड सिंपल फॉर्म्स इन डेटाबेस टूल। सो कम टू अवर थ्योरी पोर्शन। नाउ हियर यू कैन सी द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंसर्निंग प्रैक्टिकल इज क्रिएटिंग लेबल रिपोर्ट्स, जनरेशन ऑफ सिंपल फॉर्म्स इन डेटाबेस यूजिंग एनी डेटाबेस टूल लाइक एमएस एक्सेस 2007 और अबव हायर वर्जन्स। तो बेसिकली होता क्या है, रिपोर्ट्स एंड फॉर्म, हमारा फोकस आज इस पर रहेगा। तो टू क्रिएट अ रिपोर्ट, सेलेक्ट द क्रिएट टैब इन द टूल बार एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन, देन क्लिक ऑन द रिपोर्ट डिजाइन बटन एंड रिपोर्ट ग्रुप। दिस विल अलाउ यू टू क्रिएट अ रिपोर्ट एंड ओपन दैट न्यू रिपोर्ट इन डिजाइन व्यू। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड कि वॉट इज़ फॉर्म एंड वॉट इज रिपोर्ट। तो फॉर्म्स होते क्या हैं, जैसे आप देखते हो कि फॉर्म्स को हम भरा करते हैं, उसमें कुछ डिटेल्स होती हैं, उसी तरीके से हमारे डेटा बेस में भी फॉर्म्स क्रिएट किए जाते हैं यूज़र की अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए। तो हम टेक्निकली देखते हैं कि फॉर्म्स क्या हैं। फॉर्म्स आर द प्राइमरी इंटरफेस थ्रू विच द यूजर्स ऑफ डेटा बेस एंटर डेटा। द पर्सन हु एंटर्स द डेटा विद इंटरैक्ट विद फॉर्म्स रेगुलरली। द प्रोग्रामर कैन सेट द फॉर्म्स टू शो ओनली द डेटा रिक्वायर्ड बाई यूजिंग क्वेरीज, प्रॉपर्टीज, मैक्रोज एंड VBA। द एबिलिटी टू एड, एडिट एंड डिलीट डेटा कैन ऑल्सो बी सेट। एंड इन द सेम वे रिपोर्ट्स क्या होती है, रिपोर्ट्स आर द रिजल्ट्स ऑफ द मैनिपुलेशन ऑफ डेटा यू हैव एंटर्ड इन टू द डेटा बेस। पिछली क्लास में हमने देखा था कि हमने एक टेबल बनाई थी डेटा बेस में और उसमें हमने कुछ डेटा डाला था, तो उसी डेटा बेस को हम एक अगर आउटपुट के फॉर्म में देखना चाहते हैं तो उसे हम बोलते हैं रिपोर्ट्स। अनलाइक फॉर्म्स दे कैन नॉट बी एडिटेड, यानी जैसे हम फॉर्म में कह रहे थे कि अगर हमने टेबल में कुछ डेटाबेस डाला भी है तो उसको हम फर्दर ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के केस में ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट एक आउटपुट डेटा है जो आपके डेटा को आपने टेबल में एंटर किया है, वो केवल एक उसके रिजल्ट को शो करने के लिए यूज़ होता है। और इसको हम जनरली रिपोर्ट को निकालते किसके हब से, प्रिंटर की हब से, फैक्स से। तो आपने यूजुअली डे टू डे लाइफ में भी देखा है कि प्रिंट आउट लेने के लिए आप सब कुछ जब फाइनल कर देते हो उसके बाद, यानी जो आउटपुट आपका ओके हो जा रहा है, देन यू आर गोइंग टू टेक द प्रिंट। तो रिपोर्ट इज समथिंग रिलेटेड टू दैट। नाउ और डिटेल भी में देखते हैं कि रिपोर्ट्स क्या हैं। रिपोर्ट प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टेबल्स इन ए फॉर्मेट आइडियल व्हेन प्रिंटेड। रिपोर्ट्स कैन आल्सो हेल्प समराइज एंड एनालाइज द इन्फॉर्मेशन इन योर डेटाबेस। यानी आपने जैसे पिछली क्लास में सीखा था कि हमने डेटाबेस में एक टेबल बनाई थी, तो उसी टेबल की हेल्प से आप उसके रिजल्ट्स को रिपोर्ट के फॉर्म में देख सकते हो, यानी एक तरीके का आउटपुट जनरेट कर सकते हो। फॉर्म्स क्रिएटेड इन एक्सेस सिमिलर टू एन ऑर्डिनरी पेपर विच यू फिल आउट विद ए पेन और पेंसिल। जैसे आपको कोई एक फॉर्म दे दिया जाता है कि हॉस्टल का फॉर्म भरिए और उसमें कुछ डिटेल होती है, आप पेन पेंसिल से भरते हो, तो इन द सेम वे आपके एमएस एक्सेस में भी फॉर्म प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें आप जो एग्जिस्टिंग टेबल बनाई है उससे उस फॉर्म को क्रिएट कर सकते हो या एक अपना नया फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं। एज़ यू इनकोड द डेटा द करस्पॉन्डिंग टेबल इज ऑटोमेटिकली अपडेटेड। अगर आपने फॉर्म में कोई डेटा ऐड किया है तो वो उस जिस टेबल से लेके बेसिक फॉर्म बनाया गया है उस टेबल में भी डेटा को अपडेट कर देगा। रिपोर्ट किस इस तरीके की फॉर्मेट की दिखती है, आप देख रहे हैं कि जिसमें आपने जो टेबल बनाई हुई थी उसमें मान लीजिए आपने 6 रिकॉर्ड्स ले रखे थे तो उसी रिकॉर्ड्स के करस्पॉन्डिंग आपका एक आउटपुट के फॉर्म में दिखाई दे जाएगा। तो रिपोर्ट इज नथिंग बट योर आउटपुट। फॉर्म्स आपका किस तरह से दिखेगा कि जैसे नॉर्मली उसमें हमने आईडी बनाया है, जो हमने प्रोडक्ट आईडी बनाया है, कैंपस है, सारी फील्ड इस तरह से दिखाई दे रही हैं जो हमारा बेटर एक तरीके से रीडेबल फॉर्म में है, जो हमारा जिससे मोर मतलब इजी यू कैन डू द वर्क इजीली एज कंपेरिजन टू टेबल्स। क्वेरीज क्या होती हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज और भी डिस्कस होती है एमएस एक्सेस में। जब हमने फॉर्म बना लिया, डेटा बना लिया, डेटाबेस बना लिया, हमारी टेबल्स बन गई, तो एक क्वेरी है, यानी आपने डेटाबेस बनाया किस लिए है, क्योंकि हम अपने डेटा को फर्दर एनालिसिस कर सकें। जैसे मान लो स्टूडेंट का डेटाबेस बनाया था, अब उसी में चीज़ों को मान लो पिछले साल के बच्चों का रिकॉर्ड जिनकी फर्स्ट डिवीज़न आई है ऐसा डेटा चाहिए, तो हमें कहाँ से डेटा उठाना होगा, जो हमने टेबल बनाई थी। तो क्वेरी का मेन पर्पस होता है कि एक्सेसिंग द डेटाबेस एंड रिट्रीविंग डेटा सेलेक्टिवली
सेलेक्टिवली का मतलब जिस तरीके की चीज़ आप चाहते हो उस टेबल से वो चीज़ें सेलेक्ट करके आपके डेटा को निकाल दें। तो इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करी जाती है उसको हम क्वेरी के फॉर्म से रिट्रीव कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको हम आ जाते हैं इसी का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में, किस तरह से हमारी फॉर्म्स और क्वेरी रहती है। इन द सेम वे आपने क्या किया, एक्सेस में ओपन किया, एक्सेस ओपन किया, ब्लैंक डेटाबेस में अपना पिछली बार वाले ही देख लेते हैं, सिक्स शायद ओपन हो जाएगा, जो हमने पिछली क्लास में सीखा था डेटाबेस में हम के थ्रू हम टेबल बना रहे थे। ये देखिए, जैसे मान लीजिए हमारी एक टेबल बनी हुई थी इस नाम से, रो नंबर 1 2 3 4, स्टूडेंट का नेम राम श्याम ये वो। अब हमने क्या किया, इसके लिए सबसे पहले हम क्रिएट में गए और यहाँ से हम फॉर्म में चले गए। तो ये देखिए आपका इस तरह से जो आपका है ये फॉर्म, उसी टेबल जो हमारी थी जिसमें रोल नंबर स्टूडेंट नेम एज आ रहा था, उसी को इसने एक फॉर्म के फॉर्म में रूप में दिखा दिया है। और ये जो आप देख रहे हैं रिकॉर्ड में 1 of 4, यानी इसमें टोटल ऐसे आप नेक्स्ट करेंगे तो अगला रिकॉर्ड दिखा दे रहा है जो कि टेबल में भी स्टोर था, इसी तरीके से नेक्स्ट रिकॉर्ड, इसी तरीके से फोर्थ रिकॉर्ड। और अब इसके आगे जब देखना चाहते हैं तो मान लीजिए कोई आप नया ऐड करना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, व्यू डिज़ाइन व्यू, आप ये किस तरीके से फॉर्म दिखाई दे रहा है या फॉर्म व्यू में, इसको हम एक बार पहले सेव कर लेते हैं। अब देखिए सेव नहीं थी टेबल इसलिए हम नेम डेटा ऐड नहीं कर पा रहे थे, स्टूडेंट का नेम RD और एज हमारी 32। इसी तरह से आप कोई भी रिकॉर्ड लेंगे तो उसे हम, अब देखिए आपके रिकॉर्ड बढ़ चुके हैं, 6 हो गए, इसके पहले हम 5 RD हो गया, इसके पहले वाले में आपका ये हो गया, इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर हमने फॉर्म को अपने सेव कर दिया है क्योंकि जब भी हम कोई डेटा की नई एंट्री करेंगे तो हमने चूंकि पहले ही सेव कर लिया था इसलिए वो ले ले रहा है, आपकी वो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड में सेव हो गई है कि आपके 5 रिकॉर्ड थे। अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम टेबल की एंट्री देखना चाहें, रिफ्रेश करना पड़ेगा, अभी यहाँ अपडेट नहीं ले रहा, बंद करके खोलेंगे तो अपडेट ले लेगा। लेकिन देखिए ऐसे इधर से हम फॉर्म में जा रहे हैं तो वो पांच रिकॉर्ड दिखा रहा है और इसके करस्पॉन्डिंग टेबल जो है अब छठे रिकॉर्ड के लिए आ रहा है, यानी एक से ज़्यादा रिकॉर्ड को आप इसकी हेल्प से ऐड कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग डेटा टेबल में भी ऐड हो जाएगा। अब हम दोबारा खोलेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा वो रिफ्रेश, लेकिन इस तरह से आप कर सकते हैं पाँचों रिकॉर्ड की एडिंग। इट मीन्स यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं या चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब आपका आ जाता है इसी में ही, मान लीजिए इसी टेबल की मुझे रिपोर्ट भी देखनी है, तो ये देखिए क्रिएट में गए और रिपोर्ट पे हमने क्लिक कर दिया तो आपकी उसी पर्टिकुलर टेबल से हमने फॉर्म भी क्रिएट सीखा और हमने रिपोर्ट भी जनरेट कर दी। रिपोर्ट में आप ये देख रहे हैं कि ये डेटा अब हम जिस तरह से, बस इसका ये जो आइकन आ रहा है इसकी हेल्प से हम ये देखना चाहते हैं कि अपनी टेबल की डिज़ाइन लेआउट किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, कि मान लो इसे इस टेबल को शिफ्ट कराना है या मूवमेंट कराना है या यहाँ पे कोई नया आइकन ऐड करना है एक्सेट्रा। अदरवाइज इस बाकी वैल्यूज़ में आप कोई चेंज नहीं कर सकते हो रिपोर्ट में, क्योंकि दीज आर फाइनल आउटपुट्स, जबकि हम फॉर्म में डेटा को ऐड कर सकते थे। अब लेकिन यहाँ पे आप अगर 5 का देखिए RD दिखा रहा है टेबल 2 में, अब देखिए यहाँ पे ये अपडेट हो गई है टेबल 5th नंबर पे, RD की हमने 32 डाली थी जो कि आ गई है, राइट। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारी टेबल भी अपडेटेड हो जाती है, उसकी रिपोर्ट फाइनल आउटपुट में ये एंट्रीज आ गई हैं और हमने अपनी फॉर्म की उस पर्टिकुलर टेबल की हेल्प से फॉर्म भी क्रिएट सीख लिया और रिपोर्ट भी सीख लिया। इसके अलावा भी कई तरीके होते हैं फॉर्म को क्रिएट करने के लिए, कि जैसे मान लीजिए टेबल है और इसके अलावा हम फॉर्म रिपोर्ट भी क्रिएट करने के लिए रिपोर्ट विजार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे रोल नंबर को इसमें डाला, फिर और अलग भी एंट्री कर ली, अलग कर दी, तीनों नेक्स्ट पे गए और उसके हमने ये 3 एंट्री आ गई हमारी, उसके बाद ये आपका मान लो जो भी किया नेक्स्ट 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 मूव करते गए,